So myself Jagriti and this is my friend Sakshi. We are OBG MSc Nursing students. तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पहला आप देखेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको हम बोलते हैं हेगार्स डायलेटर. ये हेगार्स डायलेटर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं और ये हम डायलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं. तो जब भी हमें यूट्रस में कुछ भी इंसर्ट करना है तो पहले हम सर्विक्स को डायलेट करेंगे, वो डायलेशन हम इन हेगार्स डायलेटर्स की मदद से कर सकते हैं. अब हम आते हैं सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे. ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं चिटल फोर्सेप. तो बेसिकली ये चिटल फोर्सेप को हमें एक फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रखना होता है और इस चिटल फोर्सेप को हम यूज़ करते हैं टू पिकअप और समथिंग स्टेराइल एंड देन हम इसे अगेन फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रख देते हैं. तो बेसिकली ये पिकिंग अप ऑफ समथिंग स्टेराइल इक्विपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. देन हम आते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पे. ये बेसिकली हमारी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है. कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप भी हम होल्डिंग के लिए या तो कोई टिश्यू होल्ड करना है या अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ इंस्ट्रूमेंट की. ये जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज यूट्राइन साउंड. तो बेसिकली यूट्राइन साउंड हम यूट्रस की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आपको पता ही है जो हमारा यूट्रस है नॉर्मल पोजीशन उसकी एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड है, तो इसलिए ये यूट्राइन साउंड इस शेप का है. ठीक है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस अब क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यू टू बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा रप्चर होने के चांसेस हैं, तो इसको आजकल हम यूज नहीं करते. देन कम्स दिस नी हैमर. ये हम नी जर्क असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर एडमिनिस्टरिंग मैग्नीशियम सल्फेट डोज, सो एट द टाइम ऑफ दैट फॉर साइड इफेक्ट टू असेस द साइड इफेक्ट्स लाइक फॉर एनी टू असेस द जर्क इफेक्ट, सो वी आर यूजिंग दिस परकशन हैमर. क्योंकि MgSO4 में टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ये हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. अभी ये वाला जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा है क्यूरिटी. ठीक है, क्यूरिटी आप देख लीजिए अच्छे से, क्यूरिटी कैसे दिखती है. बेसिकली ऐसा एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, दिस इज इंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. ये दोनों सेम नहीं दिखते हैं. बेसिकली जो ये हमारी क्यूरिटी है इसको हम यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, क्यूरेटाज और डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन. ठीक है, जब हमें कुछ स्क्रैपिंग करनी होती है यूट्रस से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अबॉर्शन, अगर कोई अबॉर्शन की कंडीशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रैप आउट करते हैं जो भी मतलब टिश्यूज़ वगैरह हैं, तो हम क्यूरिटी का यूज़ करते हैं. फिर आता है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. सो जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, इफ़ हमें वजाइना का एग्जामिनेशन करना है, सर्विक्स का वजाइना लाइक एग्जामिनेशन करना है, तो हम इस एंटीरियर वजाइनल वॉल का एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. इसके अंदर ना कुछ सिरेशंस प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली ये सिरेशंस जो होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू को हार्म नहीं करते और ये उन पर होल्ड बनाने के लिए मतलब इसमें सिरेशंस दी हुई है ताकि हम उसको अच्छे से होल्ड और ग्रास्प कर सकें. सो नेक्स्ट वी हैव दिस सीजर. इट इज़ सिंपल लॉन्ग सीजर, स्ट्रेट सीजर, जो हम किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ टिश्यू और एनी सूचर. सो नेक्स्ट वी हैव सूचर कटिंग सीजर. सो यू कैन सी इट्स शेप, इट इज़ कर्व्ड. सो ये कर्व जो है वो हमें ईजिली विदाउट हार्मिंग द स्किन ऑफ पेशेंट हम सूचर्स को इससे कट कर सकते हैं. ओके, एंड देन नेक्स्ट वी हैव बैबकॉक. सो बैबकॉक वी यूज इट टू होल्ड द टिश्यूज एट द टाइम ऑफ एनी प्रोसीजर, एनी टिश्यू दैट आर इंटरप्टिंग द प्रोसीजर, सो वी कैन होल्ड विद दिस बैबकॉक. एंड देन आफ्टर दैट दिस इज आर्टरी. इट इज सिंपल एंड दिस इज ऑल्सो वी यूज एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग सूचर्स और एनी अदर प्रोसीजर लाइक होल्डिंग, वी आर होल्डिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज नॉन एज आर्टरी. एंड नेक्स्ट वी हैव, इट इज सेम लाइक आर्टरी बट दिस थिंग विल बी स्मॉलर देन दिस, सो एंड इट इज थिकर. सो दिस वी आर यूजिंग टू होल्ड द नीडल, सूचर नीडल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूचर्स. एंड नेक्स्ट वी हैव एपिजियोटमी सीजर. सो यू कैन सी इट इज कर्व्ड सीजर एंड वी कैन सिंपली अप्लाई एन एपिजियोटमी लाइक दिस विदाउट हार्मिंग द हेड ऑफ द बेबी. देन वी हैव कॉर्ड कटिंग सीजर. सो दिस कॉर्ड कटिंग सीजर वी यूज टू कट द कॉर्ड द बेबी आफ्टर डिलीवरी.
Then these are two types of forceps we have. So you can see that clearly that in this forceps it have tooth and it is plain, non-tooth forceps. Then next we have Ellis tissue holding forceps. This is also known as Ellis, and to hold any tissue we can use this. And next this is known as Green Armitage. You can see inside. So Green Armitage is basically used to hold big arteries. Like if we are doing any operative procedure, so to hold the big arteries, to prevent any blood flow or to prevent hemorrhage, we are using this Green Armitage forceps. Then next we have Coker. So at the time of delivery, in the second stage, when the membranes are not ruptured, so we need rupture to rupture the membranes artificially. So to rupture the membrane, we are using this Coker forceps. And this is Valsalum. So while doing any procedure, like if we are doing Coperty insertion, to hold the anterior lip of the cervix, we can apply like this, and an assistant will hold this to prevent any interruption while the procedure. The cervix can be hold like this. And then next we have a sponge holding forceps. So this basically we use it to wrap a sponge around it and just for cleaning purpose. And next, so the next is Ovum's forceps. So you can see this, the shape of this instrument. तो बेसिकली ये ओवम्स फोर्सेप हम यूज़ करते हैं अगर अबॉर्शन के केसेस में, या तो कोई टिश्यू या ओवम जब रह जाता है हमारे यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो हम ओवम फोर्सेप यूज़ करते हैं टू रिमूव दैट. दिस इज टिनैक्युलम. बेसिकली टिनैक्युलम हम यूज़ करते हैं फॉर सिजेशन एंड फॉर होल्डिंग एनी टिश्यू. तो ये टिनैक्युलम देख लीजिए आप, टिप पे कैसा होता है. Then this is the keel and forceps. तो ये keel and forceps का हम use करते हैं जब क्या कहते हैं head या तो size में बड़ा है, या फिर क्या कहते हैं head baby का delivery के time पे descend नहीं हो रहा होता, तो for the delivery of the head of the baby हम keel and forceps का use करते हैं. ये keel and forceps है. This is the left arm, this is the right arm. तो इस वाले राइट वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हैं जब हम उसे राइट साइड में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर लेफ्ट वाले को हम राइट हैंड में होल्ड करेंगे और उसे इंसर्ट करेंगे. फिर हम अपनी फोर्सेप को लॉक करते हैं एंड देन वी विल अप्लाई सम ट्रैक्शन ऑन द हेड ऑफ द चाइल्ड. तो अपर ट्रैक्शन अप्लाई करके फिर और इस तरीके से हम हेड को डिलीवर करवाते हैं. प्रोक्टोस्कोप बेसिकली जब हम क्या कहते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है, इन केस ऑफ हिमरॉइड्स पाइल्स, तो हम प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं. तो पहले हम इसे इंसर्ट करते हैं एनल रीजन में एंड देन वी विल रिमूव दिस एंड देन वी विल इंस्पेक्ट फॉर दी हिमरॉइड्स और पाइल्स. दिस इज लैंगरबैक्स रिट्रैक्टर. बेसिकली जब हम कोई एब्डोमिनल प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन वगैरह, तो तब हम ये रिट्रैक्टर का यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज डोयन्स रिट्रैक्टर. इस तरीके से दिखता ही है, ठीक है, इसका भी हम सिजेरियन सेक्शन में यूज करते हैं फॉर द रिट्रैक्शन पर्पज. नाउ कम दिस इज सिम्स स्पेक्युलम. ये बेसिकली हम जब वजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं टू लाइक अच्छे से विजुअल हो जाए, हमें अच्छे से दिख जाए हमारे वजाइना, ठीक है. दिस इज सिम्स स्पेक्युलम. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम पहले इसे इंसर्ट करते हैं टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड द वजाइना. तो इस सेल्फ रिट्रेनिंग, और हम इसे यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, देन वी कैन विजुअलाइज. और इसके लिए हमें कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है. तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से बेसिक यूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज करते हैं. तो प्लीज़ आप हमें रेकमेंड कीजिए और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.